नहीं नहीं अलग अलग मौजूद पर चंद ताज़ा कथा बैठे पेश कर रहा हूँ। निषाद नहीं 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 आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी, आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे, और जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। जुबैदा हुमैरा सबिया नसीमा चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा, जुबैदा हुमैरा सबिया नसीमा चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा, मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इश्क का जोश होता है धीमा। जुबैदा हुमैरा सबिया नसीमा चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा, और मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इश्क का जोश होता है धीमा। और मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं लेकिन, मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं लेकिन, इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे, इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे, धमकी माशूक को देते तो हैं आशिक सारे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं लेकिन, मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं लेकिन, इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे, धमकी माशूक को देते तो हैं आशिक सारे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। इन पे मगरिब के असर का है कुछ ऐसा गलबा, उन पे मगरिब के असर का है कुछ ऐसा गलबा, राज खुल जाता है बेकार सी कुछ बातों में, यही तहजीबी गिरावट है तो बुरखे के बटन और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। उन पे मगरिब के असर का है कुछ ऐसा गलबा, उन पे मगरिब के असर का है कुछ ऐसा गलबा, राज खुल जाता है बेकार सी कुछ बातों में, यही तहजीबी गिरावट है तो बुरखे के बटन और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। और धीरे धीरे सारे बच्चे काम पर अब लग गए, धीरे धीरे सारे बच्चे काम पर अब लग गए, जो बड़ा बेटा था वो सूफी जलाली हो गया। धीरे धीरे सारे बच्चे काम पर अब लग गए, जो बड़ा बेटा था वो सूफी जलाली हो गया, एक है चोरी में माहिर एक पाकिट मार है, फिक्र थी छोटे की तो वो भी मवाली हो गया, फिक्र थी छोटे की तो अब वो भी मवाली हो गया। हुनर कोई कहाँ निकला अलीगढ़ के भी ताले में, हुनर कोई कहाँ निकला अलीगढ़ के भी ताले में, उठाकर ले गया पैसे वो सब दिन के उजाले में, उठाकर ले गया पैसे वो सब दिन के उजाले में, ये कल की बात है वो घर में अंधा बन के आया था, ये कल की बात है वो घर में अंधा बन के आया था, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। हुनर कोई कहाँ निकला अलीगढ़ के भी ताले में, उठाकर ले गया पैसे वो सब दिन के उजाले में, ये कल की बात है वो घर में अंधा बन के आया था, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। और छः महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बात तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, छः महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बात तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में। क्या बात है, वाह 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 वाह, कि छः महीने ही में यह हाल किया बीवी ने। क्या बात दिया था रेडी साहब, शुक्रिया शुक्रिया, कि छः महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बात तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और छम्मो लजीज खानों की रसिया है तू अगर, छम्मो लजीज खानों की रसिया है तू अगर, किसने कहा है तुझसे कि नौकर को रख के देख, बोली जमीला जायका बन जाएगा तेरा, इस काम के लिए ज़रा शौहर को रख के देख। छम्मो लजीज खानों की रसिया है तू अगर, छम्मो लजीज खानों की रसिया है तू अगर,
किसने कहा है तुझसे के नौकर को रख के देख, बोली जमीला जायका बन जाएगा तेरा, इस काम के लिए जरा शौहर को रख के देख, जो पहले था दोबारा हो गया है, बुलंद उसका सितारा हो गया है, छुड़ाकर तीसरी बीवी से दामन वो जालिम फिर कुंवारा हो गया है। वाँ 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 वाँ। जो पहले था दोबारा हो गया है, बुलंद उसका सितारा हो गया है, छुड़ाकर तीसरी बीवी से दामन वो जालिम फिर कुंवारा हो गया है। क्या बात। ये बहुत सी फरमाइशें भी हैं, मैं कहा पहले ताज़ा कदाद आपसे पहुँच जाए फिर उसके बाद। जी बेहतर। मेकअप की कर चुकी हूँ नुमाइश इधर उधर, अब तो नकाब चांद से मुखड़े पे डाल लो। मेकअप की कर चुकी हूँ नुमाइश इधर उधर, अब तो नकाब चांद से मुखड़े पे डाल लो, बेपर्दा देख लेना मोहल्ले का कोई शख्स, अब घर करीब आ गया बुरखा निकाल लो। वाह 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 वाह। मेकअप की कर चुकी हो नुमाइश इधर उधर, अब तो नकाब चांद से मुखड़े पे डाल लो, बेपर्दा देख लेना मोहल्ले का कोई शख्स, अब घर करीब आ गया बुरखा निकाल लो। और दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए, और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया, अपनी महबूबा से मिलवा कर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए, दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए, और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया, अपनी महबूबा से उसे मिलवा के पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। देखें था कि शादी के बाद राह तरक्की तो बंद है, हाँ उनके दिल में राह किए जा रहा हूँ मैं। शादी के बाद राह तरक्की तो बंद है, हाँ उनके दिल में राह किए जा रहा हूँ मैं, बीवी से कितना प्यार है मुझको इसीलिए हर साल एक गवाह किए जा रहा हूँ। शादी के बाद राह तरक्की तो बंद है, हाँ उनके दिल में राह किए जा रहा हूँ मैं, बीवी से कितना प्यार है मुझको इसीलिए हर साल एक गवाह किए जा रहा हूँ मैं। और बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। और पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। वाह 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 वाह। बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। और कभी टिंचर कभी पट्टी, पलस्तर है कभी सर पर, कभी टिंचर कभी पट्टी, पलस्तर है कभी सर पर, मोहब्बत तेरी खातिर ये परेशानी नहीं जाती। पिटाई इस तरह करते हैं महबूबा के घर वाले के पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती। पिटाई इस तरह करते हैं महबूबा के घर वाले के पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती। फिर मेरे गालों पे थप्पड़ कातिल आना पड़ गया, फिर मेरे गालों पे थप्पड़ कातिल आना पड़ गया, मैं समझता था कि जख्म दिल पुराना पड़ गया। आज तो सलमा के पीछे जा रहा था मैं, मगर रास्ते में फौजिया का आशियाना पड़ गया। फिर मेरे गालों पे थप्पड़ कातिल आना पड़ गया, फिर मेरे गालों पे थप्पड़ कातिल आना पड़ गया, मैं समझता था कि जख्म दिल पुराना पड़ गया। आज तो सलमा के पीछे जा रहा था मैं, मगर रास्ते में फौजिया का आशियाना पड़ गया। और मौत के बाद आने से क्या फ़ायदा, सात अब्बा को लाने से क्या फ़ायदा। मौत के बाद आने से क्या फ़ायदा, सात अब्बा को लाने से क्या फ़ायदा, मर के आती नहीं रोशनी आँख में, उसके सुरमा लगाने से क्या फ़ायदा। मर के आती नहीं रोशनी आँख में, उसके सुरमा लगाने से क्या फ़ायदा। अब बड़ी किरदार वाली थी, बड़ी थी नेक बस्ती में, बड़ी किरदार वाली थी, बड़ी थी नेक बस्ती में, किसी भी मर्द की जिसने कभी की थी ना दिल जोई। मगर पिछवाड़े के कल्लन मियाँ जब मर गए तो वो बहुत रोई, बहुत रोई। बहुत रोई, बहुत रोई।
बड़ी किरदार वाली थी, बड़ी थी नेक बस्ती में, किसी भी मर्द की जिसने कभी की थी ना दिल जोई, मगर पिछवाड़े के कल्लन मियाँ जब मर गए तो वो बहुत रोई। न बंगला न टीवी न पिक्चर सनीमा, न बंगला न टीवी न पिक्चर सनीमा, न सेविंग अकाउंट न जीवन का बीमा, मुझे एक रनवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा वलीमा। न बंगला न टीवी न पिक्चर सनीमा, न सेविंग अकाउंट न जीवन का बीमा, मुझे एक रनवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा वलीमा। रन शौहर के गुजर जाने का लाजिम है मगर बी जमालो फिर करम अल्लाह मियाँ फरमाएंगे, बी जमालो फिर करम अल्लाह मियाँ फरमाएंगे, आकबत पर अगर तेरा ईमान है तो देखना, एक खोया है यहाँ 70 वहाँ मिल जाएंगे। रन शौहर के गुजर जाने का लाजिम है मगर बी जमालो फिर करम अल्लाह मियाँ फरमाएंगे, और आकबत पर अगर तेरा ईमान है तो देखना, एक खोया है यहाँ 70 वहाँ मिल जाएंगे। और मंज गई है निगाहबाजी में, पसे पर्दा खड़ी हुई है अभी, ये भी तोड़ेंगे एक दिन लौंडे, एक खिड़की बची हुई है अभी। अच्छा। कुछ फरमाइशें हैं मैं पेश के देता हूँ, दो एक कते हैं फिर उसके बाद, कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रास की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सल लगता है। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रास की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सल लगता है, और रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए, मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए, मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साये में खड़ा है। तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साये में खड़ा है, और वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाए औरतों ने सलामी के वास्ते, हम रुखसती के वक्त यही कह के चल पड़े, लाई हयास आए कजा ले चली। वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाए औरतों ने सलामी के वास्ते, हम रुखसती के वक्त यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कजा ले चली चले, और पकड़ कर ले गया छम्मों के आशिक को पुलिस वाला, लगाया घूसा भी ऐसा कि एक घूसे में दम निकले, वो जब पीठ छित लिया तो मुस्कुरा के छम्मू ये बोली, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। पकड़ कर ले गया छम्मों के आशिक को पुलिस वाला, लगाया घूसा भी ऐसा कि एक घूसे में दम निकले, वो जब पीठ छित लिया तो मुस्कुरा के छम्मू ये बोली, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और चंदू जोसेफ आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए, मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। चंदू जोसेफ आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए, और मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और लेट हो जाता हूँ हर रोज़ मैं दफ्तर के लिए, रोज़ ही बॉस में और मुझ में ठनी होती है,
उनकी बिखरी हुई जुल्फे हैं मेरी कमजोरी, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव बनी होती है, लेट हो जाता हूँ हर रोज मैं दफ्तर के लिए, रोज ही बास में और मुझ में ठनी होती है, उनकी बिखरी हुई जुल्फे हैं मेरी कमजोरी, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है। और अभी मुझे खतर अजहर भाई ने याद दिलाया, न दादी पे रोए न नानी पे रोए, न पुप्पी न खाला मुमानी पे रोए, मगर अब्बा कल्लन की देखो हिमाकत, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। न दादी पे रोए न नानी पे रोए, न पुप्पी न खाला मुमानी पे रोए, मगर अब्बा कल्लन की देखो इबाकत, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। अभी हमारे हिंदुस्तान पिछले दिनों एक पीर बाबा की बड़ी शोहरत हुई कि वो जूतों से लातों से सब तबीयत दुरुस्त कर देते थे, तो इस पस मंजर में ही चार मिसरे कि सिर्फ आमिर नहीं सलमान भी लगवा बैठा, सिर्फ आमिर नहीं सलमान भी लगवा बैठा, हाकिम में वक्त का दरबान भी लगवा बैठा, पीर सलमान भी लगवा बैठा, पीर के हाथ की जादुई सिफत पाने को एक थप्पड़ मेरा मेहमान भी लगवा बैठा, पीर के हाथ की जादुई सिफत पाने को। अच्छा कुछ बता कि अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। अजब नहीं, अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। और किसी जलसे में एक लीडर ने यह ऐलान फरमाया, हमारे मंत्री आने को हैं बेदार हो जाओ, यकायक लाउड स्पीकर से गूंजा फिल्म का नगमा, वतन के आबरू खतरे में होशियार हो जाओ। वतन के आबरू खतरे में हो, कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं अब्बा, तुम भी वजीर बन जाते। कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं अब्बा, तुम भी वजीर बन जाते। इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरे दफ्तर बनेगा तू, और बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है मिनिस्टर बनेगा तू। एक कन कटे का आज ये ऐलान आम है, नेता है हम हमारा तो कुर्बानी काम है, एक कन कटे का आज ये ऐलान आम है, नेता है हम हमारा तो कुर्बानी काम है, नेता का दावा सुन के मैं ये सोचने लगा, कुर्बानी कन कटे की तो यारो हराम है। एक कन कटे का आज ये ऐलान आम है, नेता है हम हमारा तो कुर्बानी काम है, नेता का दावा सुन के मैं ये सोचने लगा, कुर्बानी कनकटे की तो यारो हराम है। बहुत पुराने खत याद दिला रहे हैं। लीजिए सब एक नज़्म के लिए, नज़्म का उन्वान है फटाने का, लीजिए आसिम भाई। कि शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे जिस्म को थी एक फटी नकर नसीब, देखता क्या है इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिस पे यारों पर वकार, जब बड़ा आ गए तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया, चलते चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया, और जब बड़ा आ गया अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी इधर गई, ऐसा खिसियाया वो यकतरफा ताएँ देख कर, जैसे झुंझलाए कोई अपनी खताएँ देख कर, अपने नैकर को उतारा उसने चलते रोड पर, और बोला आसमा की सिमत न कर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्चे पिल्ले में आग थू, दे दे अब्दुल्ला को ये मेरा फटा न कर भी थू। अच्छा अच्छा ये सब एक नज्म की और फरमाइश है, इस नज्म का उन्वान है मुल्ला जी की बीवी का जवाब।
मुल्ला जी की बीवी का जवाब। चौथी शादी करके मुल्ला जी बहुत शादा हुए, अपने किस्मत की बुलंदी देखकर नादा हुए। यूं जवानों की तरह लाए दुल्हन को साथ में, आ गई हो जैसे सुल्ताना कहीं की हाथ में। पहले ही दिन सारे घर का जायजा उसने लिया, अपने शौहर की नज़र का जायजा उसने लिया। चार किले खास कमरे में नजर आई उसे, तीन किलों पर दुपट्टे भी नजर आए टंगे। मुल्ला जी से उसने पूछा, ये दुपट्टे किसके हैं, ये है किस किस की निशानी, ये अतिया किसके हैं। मुल्ला जी ने यूं दिया उसके सवालों का जवाब, ए मेरी प्यारी दुल्हन, ए आफ्ताब व महताब, बेग माते साबिका जो इस जहाँ से उठ गई, ये दुपट्टे हैं उन्हीं की यादगारें दिल जी। जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगे या जाने जहाँ, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगे या जाने जहाँ, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। बोली बेगम, मौत के पंजे में शौहर आएगा, अब दुपट्टे का नहीं टोपी का नंबर आएगा। ये सब एक और नज़्म के लिए। कपड़ों के आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। कपड़ों के आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। और कभी तो सहन कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, कभी तो सहन कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, खुद अपनी रखी हुई शय भुला के ढूंढता हूँ। उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होशो हवास, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ। उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होशो हवास, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ। जी मैं पेश कर रहा हूँ, फरमाइशे हैं लीजिए। एक नज़्म है, इसका उन्होंने मीरो गालिब। एक शायर ने गज़ल भेजी किसी अखबार में, ताकि शोहरत हो अदब के मौत बर्बादाल। कुछ दिनों तो उसको छपने का रहा एक इंतज़ार, पहुंचा आखिर मालिक अखबार के दरबार में। होके बरहम जाते ही शिकवा एडिटर से किया, ये तो बतलाएं कमी क्या थी मेरे अशार में, आपको ये क्या खबर था मुझको कितना इज़्तिराब, नींद हफ्तों तक ना आई दीदे बेदार में। ये एडिटर ने कहा, मैं छापता कैसे गज़ल, वो बुलंदी ही ना थी जो चाहिए अफकार में, शेर कोई खाना है दिल में उतरता ही नहीं, ना मुनासिब ये कमी है काविश फनकार में, जिसको कहता है ज़माना गैर मियारी कलाम, छप नहीं सकता कभी हरगिज मेरे अखबार में। सुन के इस रिमार्क को मगमूम शायर ने कहा, मीरू गालिब भी नहीं कुछ आपके दरबार में। सुन के इस रिमार्क को मगमूम शायर ने कहा, मीरू गालिब भी नहीं कुछ आपके दरबार में, कुल्लियाते मीरो गालिब से गज़ल लाया था मैं, आह वो भी छप ना पाई आपके अखबार में।